उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय और मथुरा की दीनदयाल कामधेनु गौ सेवा समिति द्वारा संयुक्त रूप से हरिद्वार में नया प्रयोग होने जा रहा है। पशु चिकित्सा में आयुर्वेद की संभावनाएं तलाशने के लिए ऋतुकुल ऑडिटोरियम में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, केंद्रीय राज्य मंत्री संजू पारा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जैसे कई बड़े नेता शामिल होंगे। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुनील जोशी ने बताया कि 17 से 19 मार्च तक इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। पशु चिकित्सा में ज्यादातर आयुर्वेद का ही प्रयोग होता है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। पशु चिकित्सा में आयुर्वेद की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए ही उनके द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में देश भर के 2000 से ज्यादा छात्र छात्राएं एवं करीब 200 वैज्ञानिक शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में देश भर से लगभग 1.5 से 2 हजार प्रतिभागी इसमें प्रतिभाग करेंगे और कई जो हमारे वेटरनरी संस्थान हैं और आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं और जो इंस्टीट्यूशन हैं उनके वैज्ञानिक इसमें प्रतिभाग करेंगे और 200 से अधिक वैज्ञानिक अपने शोध पत्र इसमें पढ़ने की संभावना है। इसके आधार पर वेटरनरी साइंस में आयुर्वेद के उपयोग को कैसे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित किया जा सके, इसका उद्देश्य ये है। इसके बाद एक ऐसा पाठ्यक्रम निर्माण करने की योजना है कि जो आयुर्वेद के माध्यम से वेटरनरी साइंस का एक कोर्स प्रारंभ करना चाहते हैं और इसको एक आयुर्वेद की संभावनाएं तलाश करना चाहते हैं वेटरनरी फील्ड में, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके और चिकित्सा मिल सके। जैसे आपने देखा कि लंपी वायरस में बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग किया गया और आज हम देखते हैं कि जितनी भी पशु चिकित्सा होती है उसमें अधिकतर जड़ी बूटियों का या आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग होता है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से अभी तक इसको मान्यता नहीं है। तो वैज्ञानिक रूप से हम इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं, इसके लिए ये आयोजन किया जा रहा है। अब उत्तराखंड की खबरें आपको मिलेंगी व्हाट्सएप पर भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से अभी ज्वाइन करें और अपने उत्तराखंड वाले ग्रुप पर पाएं उत्तराखंड की हर खबर।